मेरिया मातावां, मेरिया भैणां, साडे बजुर्ग नौजवान वीर, प्यारे बच्चे, सब तो पहला मैं थोड़ा बहुत शुक्रगुजार हाँ कि तुसी लोगों ने आपके समय चो समा कट के इतने राजे वीरेंद्र सुन वास्ते आए। मैं दिल दियां गहराइयां चो सिर झुका के तुहाडा सारे का धन्यवाद करना चाहना है। बहुत ही सत्कारयोग संजय तलवार साहब, साढ़े ब्लॉक के प्रधान साहब, पुराने एक्स ब्लॉक प्रधान साहब, कौंसलर साहबान, माफी चाहना अगर हरेक का ना लवांगा तो समा लगेगा। और मैं सारे ही कांग्रेस पार्टी के कारकुन जिन्हारी अगवाई से प्रोग्राम हो रहा है उन्होंने शुक्र गुजार हूं। ये बड़ी फैसला कुन लड़ाई है, ये फैसला कुन और बड़ी निर्णायक लड़ाई है। इस वारी का देश का चुनाव इन्हे आने वाले समय च इस हिंदुस्तान का आप भविख तय करना है कि आने वाला भविख हिंदुस्तान का की होगा, इस चुनाव ने तय करना है। और जिस प्रकार के हालात हैं हिंदुस्तान के, जिस प्रकार के कारनामे हैं सरकार के, उन्हें तो यह अंदाजा लाया जा सकता है कि अगर देश के अंदर कोई नवा फैसला ना आया तो मेरा हिंदुस्तान हिंदुस्तान नहीं रहेगा। इस देश का संविधान जिहड़ा कि हजारा लखा लोगों दी कुर्बानियां तो बाद देश का संविधान बनिया, बाबा साहब अंबेडकर ने बनाया कॉन्स्टिट्यूशन, किते ना किते मैनू लगता कि देश के संविधान नू खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि अज देश के अंदर इस तरह के लोगों का राज है जिहड़े इस देश के अंदर कुछ नवा ते वखरा करन दी तजवीज बना रहे ने। उन्होंने कम्मा तो इस गल का पता लगता है कि इस तरह के जिहड़े फैसले लए गए जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था नू हिला के रखता। उदाहरण के तौर पर नोटबंदी, नोटबंदी आई देश के अंदर, मेरा ख्याल किसी व्यक्ति नू नोटबंदी का कोई फायदा नहीं होया। देश दियां सरकारां इह गल कह रही सन, और खास करके देश के प्रधानमंत्री कि नोटबंदी के नाल जिहड़ा काला धन पिया लोगों के कोले वह बाहर आएगा और अमीर ते गरीब का अंतर है जिहड़ा वह घट जाएगा। लेकिन मैं देखिया कि 50 दिन मेरे आम साधारण परिवारों के लोग, मिडल क्लास परिवार नाल संबंध रखने वाले लोग लाइना च खड़े अपना पैसा कढ़ाने वास्ते तरसते रहे। कई ने आपके बजुर्गों नू लाइना च लाया और 50 लोगों की, 150 लोगों की इस दरमियान मौत हो गई। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आप मेरे को 50 दिन दो, मैं इस देश की नुहार बदल दूंगा। लोगों ने 50 दिन दिते, लेकिन एक रुपया भी काला धन इस देश के विच नोटबंदी के दरमियान नहीं मिलिया। नोटा की छपाई से पैसा ला के और देश का समा खराब किया, जिहदे नाल हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नू बहुत माड़ा असर पिया। मेरे सत्कारियों भराओ, इसे तरह अजीबो गरीब फैसले, देश की नवी संसद बनाने का काम किया जिहदी कोई लोड़ नहीं सी। 75 साल असी पुरानी संसद के पार्लियामेंट के विच असी लोग अपनी गल करते रहे हैं, लेकिन अरबा खरबा रुपया जिहदे नाल देश के अंदर 50 एम्स से पीजीआई अर्गे हस्पताल बन सकते सन, लेकिन नवा पार्लियामेंट बनाने का काम किया। एक ही गल मन दे विच कि लोग कहेंगे मेरे जान तो बाद, लोग कहेंगे कि देश के अंदर नवे नोट उस समय आए सन जदों देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सन। देश की नवी पार्लियामेंट उस वेले बनी जदों ब्रदर तुसी यार गल्लां कर लो, देश की पार्लियामेंट उस वेले बनी
जो देश का एक नवा प्रधानमंत्री आया सरदार पटेल की मूर्ति उससे इना पैसा ला दिता गया कि तुसी एक नवी यूनिवर्सिटी बना सकते सन ताजो उत्थे हजारा लोगों नू विद्या मिली। और साडे ते इल्जाम लाए जा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में इस देश के अंदर क्या किया है। 55 साल इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का राज रहा। मैं आज आपको कहना चाहता हूं सुई से लेकर जहाज तक बनाने का काम देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी ने किया। भाखड़ा डैम कांग्रेस पार्टी ने बनाया, लुधियाना यूनिवर्सिटी कांग्रेस ने बनाई, पीजीआई चंडीगढ़ कांग्रेस ने बनाया, पटियाला की यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ पटियाला की यूनिवर्सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाई है, चंडीगढ़ की यूनिवर्सिटी बनाई है, लुधियाना के रेलवे स्टेशन से लेकर हवाई अड्डे तक कांग्रेस पार्टी की देन है। एक कोई चीज आम आदमी पार्टी और बीजेपी कहे कि हमने लुधियाना में यह चीज बनाई है। अगर पंजाब का सबसे बड़ा शहर पंजाब का मैनचेस्टर में बीजेपी में 10 साल में कुछ नहीं बनाया तो फिर पंजाब में कहीं नहीं बनाया, और अगर पंजाब में नहीं बनाया तो देश में कहीं नहीं बनाया। ये कांग्रेस पार्टी का किए हुए काम है। अब धीरे धीरे देश के प्रधानमंत्री ये भी कहने लग गए। कल परसों देश के प्रधानमंत्री का बयान सीखा कि अगर देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का राज आया तब महिलाओं का मंगल सूत्र सुरक्षित नहीं रहेगा। मंगल सूत्र देश के प्रधानमंत्री, बदकिस्मती है हिंदुस्तान में। फिर प्रियंका गांधी राजीव गांधी की बेटी ने बयान दिया, उन्हें क्या 55 साल इस देश में कांग्रेस पार्टी का राज रहा है लेकिन किसी की महिला के मंगल सूत्र को कोई खतरा नहीं हुआ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मेरी मां ने 45 साल की उम्र में इस देश के लिए अपना मंगल सूत्र उतरवाया है। राजीव गांधी की हत्या हुई है, आप क्या बात करते हैं, कुर्बानी दी है। तुसी मणिपुर की हिंसा नहीं सुनी मेरिया औरतां मामा भेड़ा ने, किसी ने मणिपुर की हिंसा सुनी है? मेरिया मामा भेड़ा नो आजाद हिंदुस्तान दे विच कपड़े उतार के सड़का ते दौड़ाउण दा काम ते बलात्कार करन दा काम इस हिंदुस्तान की सरकार होया। देश के प्रधानमंत्री ने एक भी बयान नहीं दिता कि देश के प्रधानमंत्री ने मैं आप कर दी। आज हिंदुस्तान में हालात की पैदा हो गए हैं, सानू डराया जा रहा है, सानू वंडिया जा रहा है, धर्म के नाते वंडिया जा रहा है। कहा जा रहा है कोई जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम जी को कोई लेकर आ सकता है? राम जी तो सदियों से यहां पर है, वो हमको लेकर आए हैं, हम उनको नहीं लेकर आ सकते। मैं कहूं मैं गुरु नानक को लेकर आ रहा हूं, वो तो भगवान है भाई। ये राजनीतिक हमारा काम है एंड मौके पे आकर, इसका मतलब 2024 तक भगवान राम आए नहीं। ये खाली चुनावी स्टंट है, लोगों को बांटने का काम है। मैंने कहा इनके लिए, मैं क्या हिंदू बांटा मुस्लिम बांटा, मंदिर बांटा मस्जिद बांटी, बांट दिया भगवान को। शर्म करो बीजेपी वालों, मत बांटो भोले वाले इस देश के इंसान को, मत बांटो। मैं सरदार हूं, मेरिया मामा पैरंग दस लगे मैं सरदार हूं। गुरु ग्रंथ साहब नु महाराज को मन यार बेटर भाई इधर आ जा, भाई साहब पानी पिलाने वाले मेरे दोस्त मेरे को फिर दिखता नहीं। मैं सरदार है, गुरु ग्रंथ साहब नु मन गुरुद्वारे जन है, पर मैं मंदिर भी जन है। चिंतपुर्णी माता दे मैं माता जी का अज तो 2 महीने पहला सोने का शतर चढ़ा के रहे। मैं साला सर धाम भी जाना है, मैं खाटू श्याम भी जाना है, मैं गिरजाघर भी जाना है, मैं मुसलमाना की दरगाह पे भी जाना है। मेनू कोई संत महात्मा मिल जाए मैं ता भी जाना, मैं सेकुलर हां, मैं हर धर्म का सत्कार करता है, मैं सिख हां। लेकिन अगर कोई सरदार सिख जिसे हिंदू नाल अन्याय करेगा तो मैं सिख नाल नहीं खड़ा होवांगा, मैं हिंदू भरा दे नाल खड़ा होवांगा, सिख नाल नहीं खड़ा होवांगा। ये मेरा धर्म कहंदा है,
ये हर धर्म कहना कि तुसी सच का साथ देना है, सच्चाई का साथ देना है। अगर तुसी सच्चे हिंदुस्तानी हो, फिर क्या जा रहा है कि 55 साल में हमने क्या किया है। 55 साल इस देश कांग्रेस का राज रहा, महंगाई पकड़ के रखिया, महंगाई बदल नहीं दिती। 10 साल बीजेपी का राज आया है, आज गैस का सिलेंडर 350 साढ़े राज, हमारे राज में 10 साल पहले मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, 350 का महंगा, आज 1150 रुपए का सिलेंडर हो गया। आज तो 10 साल पहला सोना गोल्ड 27,000 रुपए का 10 ग्राम मिलता था, आज 72,000 रुपए का 10 ग्राम मिलता है। ये मोदी जी की देन है। आज से 10 साल पहले स्टील सरिया जो छत में जलते हैं, स्टील का इस्तेमाल कर दें आप, 3200 रुपये क्विंटल सिजा, आज 1500 रुपये क्विंटल है। आज तो 10 साल पहले 54 रुपये पेट्रोल सिजा, आज 100 रुपये पेट्रोल है। असि 55 साल 54 रुपए के आए, इन्होंने 10 साल 150, कहते हमारी अच्छी सरकार है। डॉलर का रेट 42 रुपए डॉलर का रेट सीधा 45 रुपए, आज 82 रुपए डॉलर का रेट है। सोना ऊपर जावे, डॉलर ऊपर जावे, तो समझ लो थोड़ा देश गरीब हो रहा है। देश के अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा कि अरे भाई ये बताओ कि आपने देश में किस प्रकार से मंदी को रोका है, दुनिया में मंदी है, पूरी दुनिया में मंदी है, लेकिन मनमोहन सिंह जी की नुकता थोड़े थोड़े तुसी इतने क्यों नहीं मंदी। एक कांग्रेस पार्टी का राज है, मनमोहन सिंह को भाषण कट देना होता, टीवी पे नहीं देखता। आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, तो यार माइक खोल दे ब्रदर, आवाज नु बंद करके रखा दे। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, आज हर व्यक्ति कोई भी राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत कोई गल पूछ सकता है। राइट टू एजुकेशन, ये सारिया कांग्रेस पार्टी की देन है, ये होर किसे पार्टी। आज आज महंगाई मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे पे कोई चर्चा करने तैयार नहीं, क्योंकि सारे मीडिया चैनल बड़े बड़े अडानिया ते अबानिया ने खरीद लिए हैं, कोई इस मुद्दे पे चर्चा करने तैयार नहीं। आज बेरोजगारी 65% है देश के अंदर, 3 बच्चों में मगर 2 बेरोजगार हैं, कोई चर्चा करने तैयार नहीं। इस करके मैं क्या निर्णायक लड़ाई है, कैप्चर किया गया हर संस्था नु, ईडी सीबीआई इनकम टैक्स इलेक्शन कमीशन, साडे खाते सीज कर दिते गए हैं कि कांग्रेस पार्टी चुनाव ना लड़ सके। इस तरफ च डेमोक्रेसी च लोकतंत्र च हालात होन, मीडिया चो दिखाया जाता है जो मोदी साहब कहते हैं, और पंजाब चो दिखाया जाता है, पंजाब के मीडिया नु भगवंत मान ने करोड़ा रुपया दिता है थोड़ा टैक्स मनी, एडवरटाइजमेंट दे रही पूरी देश के अंदर थोड़े पैसे ना हेलीकॉप्टर के जहाज उड़ाए जा रहे हैं। केरला दे विच पहले अखबार के सफे पे पंजाब की एड आती है, पैसा थोड़ा खराब किया जा रहा है, जिहड़ा थोड़ा टैक्स मनी सीगा वह दिखाया जा रहा है, जो भगवंत मान चाहते ने। पंजाब दे विच 2.5 साल हो गए सरकार बनी, 1,000 रुपए का महिलाओं ने वादा किया सीगा, तुहाडे पाक एक रुपया अगर लाया हो 2.5 साल का कोई बंदा खड़ा करके दसे। वड्डे वड्डे वोट भगवंत मान ने लाए, नौकरियां देतियां, इत्थे 1500 बंदा बैठा है, एक बच्चा खाए कि मेरे मोहल्ले च सरकारी नौकरी मिली है, खड़ा होके हाथ खड़ा करे मीडिया के सामने अगर किसी नूं सरकारी नौकरी मिली है। शरेआम लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, आज गैंगस्टर चंगे चंगे व्यापारियों को टेलीफोन कर रहे हैं, 15-15 लाख रुपया फरौती मंगी जा रही है, लोगों का डर दे मारे घरों निकलना मुश्किल हो गया है, उन्हें डर लग रहा है कि कोई कन पट्टी ला के मैनू रात को मार ना देवे। टेलीफोन ही लोग चक रहे कि किसे गैंगस्टर का सानू फोन आ जाए, मेरे बारे कोई चिंता नहीं। मुख्यमंत्री कल परसों आया सी लुधियाने, राजा बड़िंग गप्पी है, तीसरी बारी जीत के आया राजा बड़िंग, लगातार सारी आम आदमी पार्टी जीत गई, लेकिन इस बार भी राजा बड़िंग
हार नहीं सकया जित के है। अगर राजा वड़िंग गप्पी हुंदा भगवंत मान पर राजे वड़िंग नूं इस हनेरी च जिथे मुख्यमंत्री हार गए उथे राजा वड़िंग नहीं जितना सीगा। तू दस की कर रहे हैं लुधियाने दे वास्ते आया कहना राजा वड़िंग गप्पिया होर कुछ नहीं बोलिया। भाई भाई साहब ए दस कि लुधियाने दे विच पीजीआई कदों बनाएगा, लुधियाने दे ट्रैफिक की समस्या कदों हल करेगा, ए दस कि लुधियाने दे बुढ़े नाले का हल कदों करेगा, ए दस इंडस्ट्री वास्ते फोकल पॉइंट नवा कदों कटेगा, ए दस कि पुरानी जड़ी डाइंग इंडस्ट्री अजा होर है इन्हों सारिया दिक्कत खत्म करके अज डाइंग इंडस्ट्री जबलपुर जा रही है, जम्मू जा रही है, उत्तर प्रदेश जा रही है, व्यापारी बंद हो रहे ने। तू लुधियाने दे वास्ते ए दस मैं की करेगा। अज लेबर क्लास बेचारे का जीवन का पद्धर आउट गिरता जा रहा है, दस की करेगा। पानी थलड़ा थोड़ा खराब हो गया, सारे लुधियाना के सैंपल फेल है, पानी जहर बन चुके हैं, पीने के योग नहीं है, उसके वास्ते दस की करेगा। चीफ मिनिस्टर होके कलिया राजा वड़िंग गप्पी है इस तरह दलां नहीं चलनिया भगवंत मान जी। 26 महीने बीत चुके हैं, अगले 26 महीने रह गए, सरकार चली जाएगी। ये बदलाव नहीं होया, पंजाब नूं बर्बाद करने का काम किया है असीं लोगों ने। अनजान बंदा ड्राइवर गड्डी का बिठाता, और अगर अनजान बंदे नूं गड्डी का ड्राइवर बना दोगे तो गड्डी नीलो पुल च नीलो दे विच सड़ेगा नहर। उस तरह के हालात हुए। असी 75,000 करोड़ का कर्जा लिया सी 5 साल च कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि पंजाब से कर्जा बहुत है। इन्हों कम फड़ाया 66,000 करोड़ रुपए का कर्जा 2 साल च लै चुके हैं। ये 1.5 लाख का कर्जा चढ़ा के जाएंगे, और जिदे कर्जा पंजाब से 6 लाख करोड़ हो गया, हूं 3.5 लाख करोड़ है, फिर कोई डिवेलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि जिन्ना सानू आमदन आया करेगी उन्ना असी ब्याज दे दिया करांगे। तुहानू लगता है तुसी मजाक मजाक पप्पी 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 बनाता, पप्पी दा कदे सुनो। मैं एक बात पूछना चाहता हूं आप लोगों से, आप नेता को चुनते क्यों हैं? आप पढ़े लिखे हैं, सब लोग पढ़े लिखे हैं। कैसा नेता चाहिए जो पंजाब की विधानसभा में जाए, जो वहां पर पकौड़े खाके लोगों को गाली गलोच देकर सो के आ जाए, ऐसा चाहिए तो बनाओ। अपने बच्चों का भविष्य कौन खराब कर रहा है? हम खुद। पप्पी जी को मैंने 26 महीनों में एक बार उनका आवासी लेते का मुंह खुलते नहीं देखा। एक बार पंजाब की विधानसभा में आपका पप्पी नहीं बोला। अब पप्पी लोकसभा में जाएगा तो वहां क्या करेगा, पकौड़े तलेगा क्या? कहने का मतलब देश की लोकसभा च बोलन जाने, लुधियाने के मुद्दे चक्कर जाने। अगर गलत व्यक्ति नूं देश की पार्लियामेंट दे विच भेजोगे, बिट्टू नूं 10 साल भेजिया, लुधियाना एक मुद्दा नहीं चुकिया। राजा वड़िंग नूं एक मौका दिओ, देश की पार्लियामेंट दे विच कल्ला लुधियाना गूंजिया करेगा, पंजाब के लोगों की आवाज गूंजिया करेगी। असी सेल्फ मेड लोग साडा कोई मां बाप एमएलए नहीं सीगा, कौंसलर नहीं सीगा, असि दरिया बिछा बिछा के इतों तक पहुंचे हैं। 3 बारी एमएलए बनना, पंजाब का प्रधान बाटा जिरा कोई राजनीतिक पिछोकड़ ना हो, बाबा जी की कृपा तो बिना तो लोगों की कृपा तो बिना हो नहीं सकता, अदरवाइज यह असंभव है। सो ये कृपा की है सच्चे पातशाह ने। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री बनिया, बादल आलू नू रात नू नींद नहीं आती सी राजा वड़िंग नू देख के, इस तरह के काम में किए। सो मेरी थानू बेनती है, ए देश की लड़ाई है। आम आदमी पार्टी की सरकार हजे 2.5 साल बाकी है, 2027 फैसला करांगे किहड़ी सरकार लेके आनी है। अगर कोई चंगे काम पई पार्टी करेगी तो फिर असी फैसला लवांगे, लेकिन हुण देश के अंदर एक ही पार्टी जिहड़ी देश के विचारधारा के खिलाफ वास्ते लड़ाई लड़ रही है, कांग्रेस पार्टी है, सब तो वड्डी पार्टी है। आप भी वोट जाया करे हो इधर उधर पाके, आम आदमी पार्टी हो अकाली दल नूं पाके, सिद्धम सिद्धा नुकसान होएगा उन्होंने वोट पाई, और मेरा नुकसान हो जाएगा। सो हाथ जोड़ के बेनती है थानू सारे कि आने वाली 1 तरीक नूं आदेश भरा नूं कामयाब बना के भेजो। मैं थानू सच दसदा, मैनू जो लुधियाना के लोगों ने प्यार दिता है मैं वह कदे भुला नहीं सकता।
मैं अक्सर आपके भाषण च बोल दिया गल कहने, मेरी माता चली गई जो मैं 6 साल का सीगा, मेरा बाप चला गया जो मैं 9 साल का सीगा, लेकिन जो मैं गिदड़वा की धरती से 2012 च गया तो लोगों ने मैनू इन्ना प्यार दिता कि मैनू मेरी मां ते बाप की कमी महसूस नहीं हुई। अज उस तरह का नजारा लुधियाना दे वेखण नूं मिल रहा है। रात नूं 12 बजे, रात नूं 11:30 बजे कुल्फी वाली रेहड़ी ते वाल कटने वाली दुकान वाला बंदा, फुल वेचण वाला बंदा, रिक्शा ते आटो रिक्शा चलाउण वाला बंदा, जुत्ते बनाउण वाला बंदा मुस्कुरा के मेरे वल हाथ लाउंदा है ते मैनू ओहदियां अखां दे विच प्यार नजर आउंदा है। मेरा 25 साल का राजनीतिक तजुर्बा यह गल दसदा है कि बहुत वड्डी कृपा लुधियाने के लोगों ने करनी है, ये लोगों के अखां दे विच मैं महसूस करदा। सो मैं थोड़ा धन्यवाद नहीं कर सकता जिस प्रकार का तुसी मैनू प्यार दिता, क्योंकि मैं लुधियाना के लोगों के वास्ते कुछ नहीं किया। आई हैव डन नथिंग फॉर लुधियाना टिल टूडे, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट हां, बंदे के किरदार तो तुसी बंदे नू पहचान सकते हो। यू कैन वॉच मी ऑन गूगल, यू कैन वॉच मी ऑन यूट्यूब, यू कैन वॉच मी ऑन फेसबुक, यू कैन वॉच मई एक्टिविटीज, मगरले 12 साल दिया एंड थानू पता लग जूगा कि राजा वड़िंग की ना चीज है। मैं हमेशा कॉज हस्ते लड़े हैं, मुद्दे हस्ते लड़े हैं, भावे आपकी पार्टी ना लड़ना पिया हो। मैं लड़िया अमरिंदर सिंह के नाल। अमरिंदर सिंह डरता सी कि राजे वड़िंग नू मंत्री बनाता तो फिर काम खराब हो जाएगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह बादलों नाल मिलिया गया सीगा। बादल चाहते सी कि साडे जिले च अगर राजा वड़िंग मंत्री बन गया तो साडा बूटा मुकम्मल पक देगा। मैं उस हल्के तो चुनाव लड़दा जिथे प्रकाश सिंह बादल चुनाव लड़ते सन गिदड़वा, फिर मनप्रीत बादल लड़िया 5 बार। मैं पहली हरी मनप्रीत बादल 19,000 वोटां दे नाल थोड़ी कृपा दे नाल हराया, पर अज मुकम्मल तौर पर बादल आलिया का बूटा मालवे दे विच, बठिंडे मुक्तसर दे विच खत्म है। सारे बादल इस बारी आ गए, पर कृपा लोगों की कृपा दे। संजय तलवार मेरा भरा अश्विनी जी बैठे है, इस व्यक्ति ने भी आपकी मां गवाती, इस व्यक्ति ने आपकी धर्मपत्नी गवाती लोगों की सेवा दे विच। और मैनू लगता है इस इलाके की तरक्की जो संजय तलवार ने कराई है, इस तो पहला कदे इनी तरक्की इना पैसा इस वॉर्ड ने जबर मिलिया की इसके बावजूद हार के बैठा। और कहना बंद दिखाया थोड़े मुकाबले आदरणीय भूला जी, वो लोगों के परचे कटाई जाते हैं। एक मेरे वो अपना बंदा है ना जिसे कराया परचा जिदा केड़े वोट का, आप नहीं आप मुंडे दे गए सी SC ST का कुनाल सरदार सी अपना, वो अपने अपना नहीं। अच्छा बग्गा जी, सो मेरी बेनती है इन्हों लोगों तो बचो यार, इन्हों लोगों तो बचो, इन्हों की कोई वैल्यू नहीं है। आदरणीय मुख्यमंत्री भी आते MLA नू नहीं पुछदा। सो जिस बंदे की अपनी वैल्यू नहीं है वो थोड़ा कुछ नहीं सवार सकते। सो तकड़े रहो, हरेक नू तलीम ते तहजीब ना बोलो, थोड़े कोले वोट का अधिकार है। चुप चुपीते जिस तरह इस बार पिछली बार तुसी आम आदमी पार्टी नू वोटा पाईया, बहुत सारे लोगों ने, तुसी नहीं बहुत सारे लोगों ने। मैं तो लोगों को यह भी कहना कि झंडा लाना पैदा तो ला दो, झाड़ू छत दे वोट हां चुप चुपीते, पता नहीं लगन दिता देना जिमें सानू नहीं पता लग्या भी की हो रहा है। अज तो 25 महीने पहला तलवार को पता नहीं लग्या हो की रहा है, तलवार कहना मैं जितया पे उदो ही पता लग्या जो तलवार की बाटी मजती। सो हुण इस तरह ही तलवार जी के कम्मां दा उन्होंने मुल मोड़न का मौका आ गया। फिर संजय तलवार दोबारा फिर 26 महीनों आप जितावे, तो फिर बाबा सुख रखे कला तलवार MLA नहीं, फिर कोई होर चीज भी ना लावे थोड़े नाल वादा करते हैं, ता जो लुधियाना की इलाके की तरक्की हो सके।